नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक बार फिर सनातन पर हमला बोला है। बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से हैं और विधवा हैं। क्या यही सनातन है? इससे पहले तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी घेरा था। अब एक बार फिर बुधवार को मदुरे में पार्टी के एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा, हमारे देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय की हैं और विधवा हैं। इसे ही हम सनातन कहते हैं। हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।